शिवेश वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं गुड हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और अभी बात हो रही थी कॉन्स्टिपेशन पे, सिंस अनम का फ़ोन भी आया था और वो अपनी कॉन्स्टिपेशन के लिए रोज़ाना फाइबर लेती हैं, विच शी इज़ नॉट लाइकिंग इट फाइबर बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो बहुत ब्लोटेडनेस ही फील होती है और अच्छा मज़ा नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई ऑल्टरनेट है? अल्टरनेट ये कि अपने आप को हाइड्रेट अच्छा रखें, पानी वानी ज़्यादा पिएं, और दूसरा ये कि वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा करें। तो अगर पानी अच्छा पिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छा लेती हैं, तो काफ़ी हद तक ये कॉन्स्टिपेशन का मसला इनका बगैर फाइबर के भी जा सकते, क्योंकि फाइबर सप्लीमेंट तो आपने लेने हैं। चाहे अगर आप वैसे अगर वो रिफाइंड किस्म की डाइट खाती हैं तो वैसे फ़ाइबर सप्लीमेंट लें, या फिर यह कि आप डाइट ऐसी रखें अपनी कि जिसमें फाइबर वैसे ही आपको मिल जाए, और हाइड्रेट अच्छा रखें अपने आप में। ओके, बस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम बात कर रहे थे सर, अक्सर आपके पास पेशेंट आते होंगे मल्टीपल क्रैम्प्स के साथ, के स्टमक में क्रैम्प है जी, किडनी का क्रैम्प है, पीछे से यहाँ से दर्द हो रहा है, तो आप क्या उनको कैसे इनिशियली आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या कहते हैं, हाउ डू वी, एट टाइम्स साइकोलॉजिकल भी होता रहता है। सही, वो मैंने बताया ना कि जी वो कुछ चीज़ें स्ट्रेस की वजह से भी होती हैं। कुछ लोगों का पेन जो होता है वो एक्सप्लेन भी सही नहीं कर सकते हैं, कभी डल कहते हैं, कभी कॉलिकी टाइप का पेन कहते हैं, तो और वो रिफर्ड पेन होता है। रिफर्ड पेन में भी जो है कभी एक्चुअल जो है पेन जो है मसलन अपेंडिसाइटिस का होता है, तो वो किसी और जगह पे उनको फील होता है, राइट साइड की जगह लेफ्ट पे होता है। तो हमारे पास जितने लोग आते हैं हम उनको जो है हिस्ट्री लेते हैं, उनकी जो है पास्ट हिस्ट्री अगर मिल जाती है तो गुड इनफ, नहीं तो जो है अगर सडनली कोई चीज़ें हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा जो है वो इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं ताकि देखें कि इनको पेन क्या है, या पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं कि जी पेन को रिलीव करने के लिए कुछ दवाइयां दे देते हैं। अगर उससे भी फ़ायदा नहीं होता है तो फिर हम थोड़ा सा जो है इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि जी पेन इनका जो है क्यों हो रहा है। अगर मुसलसल वो शिकायत करते रहते हैं कि जी ये काफ़ी अरसे से पेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम जो है पहले सोचते हैं कि शायद इनको जो है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, या इनको जो है पेप्टिक अल्सर वगैरह है, क्योंकि वो अगर स्पेशली बताते हैं कि जी रात को ज़्यादा पेन होता है, उठ के बैठते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि ये अल्सर का है, या फिर जो है वो कहते हैं कि जी हमें जो है ज़्यादा काम करने की वजह से उसके बाद जो है वो क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो वो स्ट्रेस वजह से होते हैं। बाकी चीज़ें अपेंडिक्स का पेन कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, अपेंडिक्स का जो है दो टाइप के पेन होते हैं। एक तो जो है पेन जो शुरू में अगर अक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो वो तो मर्फीज साइन और ये सारी चीज़ें जो है देखने के बाद पता चल जाता है, परकशन करके देखते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है, यानी परफोरेशन से पहले, फिर वो पेन जो है सबसाइड हो जाता है, तो उसमें जो है फिर हम जो है वो एक्सरे भी करवा लेते हैं और उनका जो है वो ब्लड काउंट करा लेते हैं। सर, अपेंडिक्स साइलेंट करने जैसी भी कोई चीज़ होती है? आपने उसको इतनी एंटीबायोटिक दे दिया कि अपेंडिक्स साइलेंट कर दिया, हाँ, और फिर वो आफ्टर अ वाइल इट विल रेज इट्स हेड अगेन। वही है कि अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है, पहले शुरुआत तो सेंटर पेट के सेंटर वाले हिस्से से होती है और बाद में वो राइट साइड में निचली तरफ शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब अपेंडिसाइटिस के लिए पहले तो हर एक की पकड़ के सर्जरी कर लेते थे, आज का थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। अगर कोई पहली दफा सर्जरी कर ही नहीं दे, बवा भर आ जाता है। नहीं नहीं, बार बार नहीं। आई नो समबडी जिनका बेचारों को कोई कर दिया। अगर किसी को रिकरेंट हो रहा है तो सर्जरी करानी चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हुआ है और पेन है, तो आजकल बल्कि आप इसमें काफ़ी पेपर्स आ गए हैं कि आप जो हैं उसको एंटीबायोटिक्स दें, और अगर आपकी डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस है उससे सबसाइड हो जाता है। और लेकिन अगर किसी को रिकरेंट प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा वही आपकी डायग्नोसिस, और आजकल तो अपेंडिसाइटिस आप अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कि आप प्रॉप रखें, अपेंडिक्स को देखें, और अपेंडिक्स की आपकी जो है वो इन्फ्लेमेशन है, जो एडिमा वॉल का, वो आपको पता चल जाता है। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक पैकेज बना हुआ है जी, अच्छा सा पैकेज है, तो एक प्रिसाइज सी एक चीज़ है, आप लोग पहले वो जाके वो देखिए, फिर हम इस पर और बात करते हैं। कब्ज को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी अमराज की माँ, इससे कई अमराज जन्म लेते हैं। कब्ज अजाबत का बरवक्त ना होना है, इसकी मुतअद्दद इकसाम हैं, जिनमें वक्त पर बाफरागत अजाबत का ना होना, सख्त किस्म का बराज खारिज होना, या दो तीन दिन तक अजाबत का ना होना।
जब हम गिजा खाते हैं तो ये मैदे में जाती है, जहाँ से निकलकर छोटी आंत में दाखिल होती है, तो हाजमे का अमल निस्बतन तेज हो जाता है। छोटी आंत इसे मजीद काबले हजम बनाती है और गिजा का माया हिस्सा बड़ी आंत में तकमील को पहुँचता है। अगर हजम का अमल सुस्त हो तो अजाबत खुश्क और सख्त हो सकती है, उसको कब्ज कहते हैं, जो बाज़ सूरतों में खतरनाक सूरत अख्तियार कर लेती है। कब्ज की सूरत में पेट में गरानी और तबीयत में बेचैनी होती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन और सुस्ती होती है। फजलात के जमा रहने से गैस रिया पैदा होते हैं, अगर ये खारिज ना हो तो तकलीफ में मजीद इजाफा हो जाता है। तभी आपने एक छोटा सा पैकेज देखा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, जो कि जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बिल्कुल इनिशिएटर होती है इन अ सेंस। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट ना किया जाए? देखें, वो थोड़ा सा हिकमत में और हम लोगों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो जो है हिकमत में तो हर एक जो मर्ज की जड़ जो है कब्ज़ बताई जाती है। हम लोग हर एक मर्ज़ की जड़ नहीं बताते, लेकिन बहरहाल ये है कि अगर किसी को कब्ज़ है और बाउल मूवमेंट्स रेगुलर नहीं हो रही हो, तबीयत में सुस्ती का और ब्लोटिंग का, पेट के फूलने का अमल जो है वो तंग करता है और एक डिस्कम्फर्ट का एहसास हर वक्त रहता है। फिर ये है कि कुछ जो गैसेज वगैरह होती हैं वो एब्ज़ॉर्ब भी होती हैं, मसलन ये है कि एक गैस है अमोनिया गैस, वो भी एब्जॉर्ब हो रही होती है, थोड़ा सा वो भी सुस्ती का बाइस बनती है। और अब किसी को अगर लीवर का मसला है, नॉर्मली तो ये गैसेस जब एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड में तो लीवर में जाती हैं और लीवर उनको फ़िल्टर करके उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, लेकिन अगर किसी का लीवर ख़राब है तो वो सुस्ती और बेहोशी का सबब भी बन सकते हैं। तो इसी वजह से लीवर के पेशेंट्स को अगर कब्ज़ हो तो ख़तरनाक साबित होती है, वो बेहोशी के आलम में भी चले जाते हैं। लेकिन आम बंदों का कब्ज़ हो तो उनमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, पेट के फूलने का एहसास, हवा का ज़्यादा बनना, हवा का फंस जाना, और ये ज़्यादा मसले मसाइल उनको ज़्यादा होते हैं। ओके, अच्छा, अब डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग टू गो टू द लू आफ्टर 3 to 4 days। वैसे किसी को तीन दिन से कम में, यानी हफ्ते में दो दफा बॉल मूवमेंट्स हो रही हैं तो दैट इज एबनॉर्मल, बिल्कुल। बट दे आर फीलिंग कंप्लीटली नॉर्मल। नहीं, लेकिन ये है कि कम से कम दो दफा तो हफ्ते में बॉल मूवमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन हर एक के लिए कब्ज की